जिस महायुद्ध की मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, वो महायुद्ध दो देशों के बीच नहीं है, वो महायुद्ध दो कौमों के बीच भी नहीं है, वो महायुद्ध है आपका अपने आप से। और वो आपकी लड़ाई है आपके आलस से, आपकी बुरी आदतों से, आपकी नाकामियों से, आपके स्ट्रेस से, आपकी एंजाइटी से। जब हर बार आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं और आप सोचते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, जब आप कंपैरिजन करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बाकी बच्चों को देखते हैं, उनका पढ़ाई में दिल लगता है, आपका शायद नहीं लगता। आप अपने परिवार को देखते हैं और परिवार मंदिर में बैठा है, भजन पूजा कर रहा है, खुश हो रहा है, और आप आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नास्तिक हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा। और अगर आप कोशिश कर भी रहे हो तो आपको पता नहीं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं एटलीस्ट एक फंक्शनिंग नॉर्मल तो बन सकूं, ताकि मैं अपने परिवार के साथ जब आंखें बंद करूं तो मेरे मन में शांति उत्पन्न हो और नकारात्मकता का बंदर टपूसियां ना मारे। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो, बहुत सारे लोग अपने जीवन को एक स्वस्थ तरीके से जी रहे हैं, और आपको नहीं समझ आता कि आपको भूख शायद ज्यादा लगती है या आप कचरा ज्यादा खाते हो, और आपके भीतर दूसरों की तरह शायद अभी वो स्टैमिना या हेल्थ नहीं है। और हो सकता है काफी सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, दे हैव बिकम यूज्ड टू दिस पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये जो हमारे अंदर की एक शैडो होती है, एक परछाई जिसको हम पसंद नहीं करते, और ये परछाई वो परछाई है जिसके अंदर हमारी सारी बुरी आदतें हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारी नाकामियां हैं। और जब कभी भी ये परछाई कोई ऐसी हरकत करती है जिससे हमें आत्मग्लानी महसूस होती है, या ये परछाई कुछ हमारे जीवन में दुख लेकर के आती है, तब हमारे भीतर एक 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 भाव जगता है कि मुझे इस परछाई को हराना है, मुझे इस परछाई से जीतना है।